अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी में से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ, 4 बज रहे हैं अभी, ठीक है। मेरे लिए तो बहुत सुबह का टाइम है, तो अहमद के साथ लिबर्टी सब्जी लेने के लिए। आई थिंक मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, अहमद आके सब्जी वगैरह ले आएगा क्योंकि मम्मा को पकानी है। और फिर 5 रियाल वाली दुकान, वहां जाऊंगी मैं और आप लोगों को फिर थोड़ा 5 रियाल वाली दुकान का टूर कराऊंगी और पाकिस्तानी स्कूल बाहर से दिखाऊंगी। तो चलते हैं। ये आज दिन के टाइम में बाहर निकली हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, फील्स लाइक 54 डिग्री टेम्परेचर है। ये सड़क जो पाकिस्तानी एरिया को जा रही है, अभी हम सब्जी लेने जा रहे हैं पहले, और सब्जी लेने कहाँ जाएंगे, लिबर्टी। शॉप्स होती थी इस लाइन में खाली, यहाँ पे ईदों में बहुत रश होता था। खुशाब भी है अहमद के नहीं अभी? खुशाब हाँ, सही कल बता रहा था। शॉप्स यहाँ तो स्टेशनरी शॉप खुली थी, ये लगता है बंद हो गई है। बंद हो गई ना एजुकेटर? हाँ, ये कुछ नहीं खुला, नाम चेंज हो गया उसका। और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल आ गया है, बॉयज साइड गर्ल्स साइड। जैसे तो स्कूल भी जाके अंदर जाने दिया तो जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो हर स्कूल बंद है छुट्टियों की वजह से। बोर्ड इन्होंने नहीं चेंज करना, बोर्ड इनका वही का वही रहना है जो इतने साल पुराना था। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 4 बज रहे हैं। चार बज रहे हैं? नहीं, मैं गाड़ी में बैठ गए। अपना बाजार, ये अपना बाजार, वो मकतबा आगे। ये बचपन में बहुत शौक से जाया करते थे हम लोग। अभी खैर काफ़ी बेहतर सिचुएशन लग रही है, कूड़ा डस्टबिन के अंदर है, वरना जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पर हमेशा कचरा ज़मीन पर ही गिरा रहता था। मैंने अमतों का तुम ही चले जाओ, सब्जियाँ लेनी है तो मैंने जाके क्या करना है। अहमद आ गया सब्जी लेके। और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी कि मुझे गाड़ी में बैठ के गर्मी लग रही है, और मैंने ना ब्लॉक के चक्करों में एसी थोड़ा आहिस्ता कर दिया था, मैंने दोबारा तेज़ कर दिया वरना मेरी आवाज़ में हवा की आवाज़ें आ रही थी, टूं टूं टूं। और पहले घर जा रहे हैं हम लोग, घर पर सामान पकड़ा के सोहेबा के लिए जगह सामान पकड़ा कर फिर थोड़ा आगे जाना है 5 रियाल वाली दुकान पर। मैं अहमद से लड़ लड़ के साथ आई हूँ, अहमद नहीं लेके जा रहा था। मुझे बड़ा मज़ा आता है 5 रियाल वाली दुकान घूमने का, वहाँ पे ना मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो देखने का मज़ा। ये बिल्डिंग की हालत जो जो लोग जानते हैं, ये सारा नया बन गई हुई है बिल्डिंग, बेचारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब ज़रा नहीं बाहर से हो गई है। और ये कोई शिफ्ट हो रहा है तो ये पा गया नहीं जा रहा है बेचारा, सब्जी लेने के लिए नीचे आया। इधर से ये चीज़ बहुत बुरी है कि पूरी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आओ फिर कोई चीज़ देख के ऊपर जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना वैसे अच्छा हो गया थोड़ा। ये किस तरफ जा रहे हैं अब हम? 5 रियाल वाली दुकान की तरफ जो पेट्रोल पंप के पास है, मीट पेट्रोल पंप। बाकी तो खैर सब कुछ वैसे का वैसे ही है यहाँ। ये वाला जो सैलून होता था ना, यहाँ बाबा बचपन में हम लोगों को लेके आते थे बहुत, मुझे बांग्लादेश स्वीट एंड रेस्टोरेंट। ये यार यहाँ पाकिस्तानी मिठाई होती थी ना, वो ख़त्म हो गई, पाकिस्तानी हाउस या कुछ इस तरह का नाम था। और ये 5-10 रियाल वाली दुकान अभी, अच्छा पहले खाली 5 रियाल लिखा होता था, अभी 3, 10, 4, 5 सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखो कबूतर, किसी ने कबूतरों को खाना डाला हुआ है, पानी भी रखा हुआ उनके। क्रिकेट ग्राउंड है, कबूतरों का ग्राउंड लग रहा है, मतलब यहाँ पे भी हैं पीछे भी हैं। ये हम लोग गाड़ी से निकले हैं और ऐसे अगर मैंने कोई शोर नहीं किया मगर ये कबूतर उड़ गए, सारे उड़ गए इकट्ठे। ये पेट्रोल पंप अहमद, ये मीट, हाँ मीट वो है उसके सामने।
यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब एम यहाँ पे ये फाइन तो नहीं हो जाता सड़क पर चलते फ़ोन यूज़ करने से। अच्छा इधर ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब अच्छी बात है फ़ाइन होते हैं क्योंकि हमें तो पाकिस्तान की आदत पड़ी हुई है, वहाँ पर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ले लो, वो तो पांडा से लाए थे ना उस दिन, ले लो दो पैक लेके आए थे, एक बाद में भी 5 साल के मिलने हैं, अभी भी 5 साल के 3 होते हैं। अच्छा ये सारे ग्लास पड़े हैं, क्या लेने आए हम लोग? ये भी लेना चाहिए वैसे, इधर नहीं हमारे पास, 5 साल का ही होगा देना, नहीं लिखी हुई प्राइस, अभी जो लेना है वो ले लो, क्या लेने आए हैं? यहाँ से नेल पॉलिश रिमूवर, इधर से नहीं मिलेगा नेल पॉलिश रिमूवर, कहाँ से मिलेगा? मिलेगा नहीं, मतलब इस जगह से नहीं मिलेगा, इधर आओ, ये डेटॉल, डेटॉल ये 30-30 साल का, मगर मुझे जहाँ तक लगता है ना ये नकली होते हैं, मतलब नकली होते हैं यकीनन, लगने की क्या बात है। 25 रियाल लिखा हुआ है, असल में 40 रियाल का है मार्केट में। तेरे को एक मिनट किसी बंदे से पूछो, बंदा भी नहीं है, ये है ना एक घूम रहा था जो सामान सीधा कर रहा था। अच्छा ये स्कूल एक्सेसरीज, बचपन में इतना शौक होता था ना मुझे इस तरह की जगह पे घुसने का, ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह। अहमद यहाँ देखो, यहाँ पे भी हैं दरवाजे के नीचे लगाने वाले, कोई है ही नहीं बंदा क्या? आई थिंक हमें खुद ढूंढना चाहिए यहाँ पे ना, जहाँ नेल पॉलिश पड़ी होगी वहाँ रिमूवर पड़ा होगा, नेल पॉलिश रिमूवर, टिश्यू ले लो, इतने सारे फ्लेवर, पिंक वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, नेल पॉलिश उतारनी है, फेक नेल्स। अच्छा कूल सनग्लासेस, वैसे बचपन में मुझे बहुत शौक होता था इस तरह की चीज़ों का। साबुनदानी, साबुनदानी आई थिंक वहाँ एंड में होगा वॉशरूम की चीज़ों के पास। अच्छी नहीं लग रही है बड़ी छुरियाँ, मामा ने कहा है जिसका हैंडल छोटा होता है ना वो अच्छी होती है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है। 30 रियाल की छुरी, हम कहते हैं खुद लेंगे, पैर बहुत ज्यादा है, हमें तो समझ नहीं आनी कौन सी लेनी है। ये आ गई, ये क्या है? वो प्रेशर वॉशर, पाइप क्या के लगता है प्रेशर से? हमें हमारे नलके वाला जो वहां पाकिस्तान में लगा हुआ है, 100 रुपये का लिया था यहाँ, 5 रुपये का, ठीक है यहाँ के लिहाज से। इधर ही होगी साबुनदानी, ये क्या हैमर किस चीज़ का? हथौड़ा है, किस चीज़ का क्या मतलब? फेक फेक लग रहा था देखने में, इधर फ्रेंड होंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई। ये गाड़ियों वाला सेक्शन में हम आ गए हैं, ये बल्ब, दुनिया जहान के बल्ब, 5-5 रियाल का बल्ब है, सस्ता है वैसे उस लिहाज से। अच्छा ये स्टेशनरी वाला सेक्शन है, जो कि बड़े मज़े की चीज़ें लगती थी मुझे शुरू में, ग्लू लेने का इतना शौक होता था, मामा लेनी नहीं देती थी ग्लू। हाँ स्कूल में टीचर इतनी खौफनाक हरकतें करती थी ना कि नहीं लेके आए तो अंदर एंटर नहीं होने दूंगी। कलर पेंसिल्स, फाइबर, नहीं फाइबर कैसे लेंगे, ये फाइबर कैसे, क्लिप भी अच्छे हैं 5 साल के 3 जी, 575 का है। ये मैंने करना है, ले लो यही ले लो, ये चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, क्लिप्स वगैरह घर अच्छे थे मगर बाद में लूँगी, भी मेरे पास हैं, टूट जाएंगे तो फिर। स्कूल बैग्स ये तो 30-30 के होंगे, 20-25 के, बट स्टिल अच्छे हैं। अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें सारी की सारी ले ली हैं, और इतनी बड़ी दुकान थी मतलब हमें इतना टाइम लग गया, बेशक कोई रश नहीं था, ना कैशियर पे रश था ना कहीं और रश था, मगर स्टिल चीज़ें लेते लेते इतना टाइम लग गया। पता क्या, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वो लेडीज़ हो ना तो उनके सामने हमने वीडियो नहीं बनानी। अच्छा ये देखो कबूतरों के लिए रखा हुआ है केन, उनके सामने वीडियो नहीं बनानी, मतलब कोई किसी को बुरा लग सकता है। Eventually. मैंने अपनी सिम लेनी है क्योंकि कल मैंने एक और हरकत भी कर दी है, मैं बता दूँ मैंने क्या किया, सिम ले आऊँ, खत्म हो गया बंद हो गया,
इतना इसकी लाइट्स ऑन होती हैं। घर जाके खोलूंगी, अनबॉक्सिंग तो बनाऊं, घर जाके खोल लेंगे। कैसे अनबॉक्स करेंगे अभी? ना खोलो इसमें, ये खोलने को अभी वो नहीं है ना मेरे पास पिन। ये हम लोगों ने सारे काम कर लिए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। अच्छा भैया, मैं आ गई हूँ बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग हुई थी वैसी है जैसी बहुत साल पहले थी नहीं, बट अब बाहर से थोड़ी बेहतर हो गई भी है। और बेल करूँगी, खोल के देखूँ, एक खुला छोड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में कर देना और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।